बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने बाल विवाह और दहेज प्रथा पर लगाम लगाने के लिए एक अनूठा निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने एक आदेश पारित कर कहा है कि किसी गांव में बाल विवाह या दहेज के लेन देन होने पर वहां की पंचायत ग्राम समिति के सदस्य और ग्राम प्रधान यानी मुखिया इसके लिए जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सवाल उठने लगा है कि क्या इस तरह के प्रशासनिक कदम से बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। इसके साथ ये सवाल भी उठने लगा है कि शराबबंदी को सही तरह से लागू करने में बुरी तरह नाकाम बिहार सरकार बाल विवाह रोकने में कितनी कामयाब होगी। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिला मजिस्ट्रेट, जिला परिषद के सभी कार्यपालक पदाधिकारी व जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार वार्ड सदस्य व मुखिया की ये जिम्मेदारी होगी कि वे बाल विवाह रोकने की संभावना की सूचना मिलते ही संबंधित परिवार के घर पहुंचकर अभिभावकों को समझाएं और ऐसा न करने की सलाह दें। उनकी ये जिम्मेदारी भी होगी कि परिवार के लोगों के नहीं मानने पर वे स्थानीय थाना और बाल विवाह निषेध अधिकारी BDO व SDO को तुरंत सूचना दें और विवाह रुकवाने में सहयोग करें। वार्ड सदस्य और मुखिया इसके अलावा दहेज लेन देन से संबंधित मामला सामने आने पर जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचित करें। बता दें कि बिहार विवाह पंजीकरण नियमावली 2006 में मुखिया को विवाह पंजीकरण का दायित्व दिया गया है। पंचायत क्षेत्र के हर वैध विवाह का पंजीकरण करना मुखिया और पंचायत सचिव के लिए अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राम सभा और वार्ड सभा की बैठक में एजेंडे में बाल विवाह रोकने और दहेज उन्मूलन का विषय शामिल करना अनिवार्य होगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से कहा, गांवों में विवाह सर्टिफिकेट मुखिया देते हैं, ऐसे में ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे बाल विवाह रोकें। बाल विवाह निषेध अधिनियम और दहेज रोकने से जुड़े कानून लागू कराना बिहार सरकार की प्राथमिकता है।